सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिनों मुकेश अंबानी परिवार को दी जा रही जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी पर एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक अब मुकेश अंबानी का परिवार जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाएगा, जबकि पहले यह खर्चा गृह मंत्रालय द्वारा उठाया जा रहा था। बता दें कि अंबानी और उनके परिवार को भारत के अलावा विदेशों में भी जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि जेड प्लस की सिक्योरिटी पर प्रतिमाह 40 से 45 लाख का खर्चा आता है, जो कि अब मुकेश अंबानी का परिवार उठाएगा, यानी वो सरकार को साल के 4.80 करोड़ रुपए देंगे। जानकारी के मुताबिक जेड प्लस सिक्योरिटी के अलावा मुकेश अंबानी के पास कम से कम 15-20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की भी एक टीम है। बता दें कि अंबानी के इन सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग इसराइल स्थित एक सिक्योरिटी फर्म द्वारा दी गई है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स मार्शल आर्ट्स और क्रव मागा में ट्रेन है। बता दें कि अंबानी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम में NSG कमांडो के रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं। मुकेश अंबानी देश और दुनिया के सबसे अधिक रईसों की लिस्ट में आते हैं, ऐसे में इन पर जान का खतरा भी बना होता है। इस कारण उनकी सुरक्षा में 58 CRPF के कमांडो की टीम 24 घंटे और 7 दिन लगी रहती है। ये कमांडो MP5 समेत कई आधुनिक बंदूकों से लैस रहते हैं। बता दें कि इस बंदूक की खासियत यह है कि इस बंदूक से 1 मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती है। गौरतलब है जेड प्लस सिक्योरिटी भारत की सर्वश्रेष्ठ सिक्योरिटी घेरा है। जेड प्लस सुरक्षा को देश का सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा माना जाता है। खुफिया ब्यूरो द्वारा खतरों को देखते हुए देश के VVIP और अन्य हस्तियों को ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। ये सुरक्षा राजनेता और VVIP हाई प्रोफाइल लोगों को दी जाती है, जिसमें NSG, ITBP, CRPF, पुलिस के तेज तर्रार लोगों को रखा जाता है।